कल ही मंगनी करने वाली मशहूर अदाकारा अचानक से सामने आ गई। अदाकारा ने मंगनी के बाद अपने मंगेतर से रिश्ता तोड़ दिया। मुकम्मल तफसीलात बताई अदाकारा ने खुद से। आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन सी है वो खूबसूरत अदाकारा जिन्होंने रिसेंटली मंगनी तोड़ी है और उन्होंने अपनी मंगनी तोड़ने की क्या वजूहात बताई हैं, मंगेतर के साथ उनके कैसे इख्तलाफात हुए और उन्होंने क्यों अपनी राहें जुदा कर लीं। मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि शोबिस से आने वाली हर नई अपडेट से आप बाखबर रह सकें। गुज़िश्ता कुछ अर्से से शोबिस इंडस्ट्री में कई यंग कपल्स ने इंगेजमेंट की है और बहुत से कपल्स एक दूसरे के साथ प्यार की डोरी में बंध गए हैं। इन्हीं कपल्स में से एक ऐसा कपल भी है जिसकी तो शादी होने जा रही थी, लेकिन शादी की तकरीबात शुरू हो चुकी थी और अचानक ही उनके इख्तलाफात सामने आ गए और दोनों ने अपनी राहें जुदा कर लीं। अदाकारा पहली दफ़ा सामने आई हैं और उन्होंने बताया है अपनी मंगनी टूटने की मुकम्मल वजह। आज की इस वीडियो में जिस मशहूर और मारूफ अदाकारा की हम बात कर रहे हैं वो अदाकारा हैं ज़ोया नासिर। ज़ोया नासिर पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की टैलेंटेड अदाकारा हैं और बहुत से ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। ज़ोया नासिर ने एक लड़के से मंगनी कर ली थी। वो लड़का ज़ोया नासिर से मंगनी करने से पहले क्रिश्चियन था और फिर मुसलमान हो गया था, लिहाजा दोनों ने मंगनी कर ली और उसके बाद दोनों ने अपनी मंगनी की अनाउंसमेंट की, जिस पर मुदा बहुत खुश होने लगे कि ज़ोया नासिर ने एक ऐसे लड़के से मंगनी की है जो कि मुसलमान होकर इस्लाम के रास्ते पर चल निकला है। उसके बाद ज़ोया नासिर और उस लड़के की दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और दोनों की शादी की रसूमात भी शुरू हो गईं। पहली ढोलकी दोनों की मुनक्कत की जा चुकी थी, लेकिन फिर अचानक से दोनों के इख्तलाफात सामने आ गए और मालूम हुआ कि दोनों की एंगेजमेंट टूट चुकी है और दोनों की शादी होते होते रह गई है। ये सब खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश में ही थीं कि अभी ज़ोया नासिर ने इस बारे में अनाउंसमेंट की है। ज़ोया नासिर ने कहा है कि मैं दुखी दिल के साथ ये अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि मेरी क्रिश्चियन बैट्समैन के साथ मंगनी टूट चुकी है और हम दोनों ने एक दूसरे से राहें जुदा कर ली हैं। उन्होंने बताया कि क्रिश्चियन बैट्समैन के नज़रिए में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, उनके बयान हमारे रिलीजियस से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। यही वजह है कि मैं अपने मुल्क और अपने रिलीजन पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती और इसीलिए मैंने अपनी राहें जुदा करने का फ़ैसला किया है। साथ ही उन्होंने क्रिश्चियन बैट्समैन को विश किया कि वो अपनी फ्यूचर लाइफ में खुश रहें और लोगों से कहा कि उनको इस मामले में बिल्कुल भी तंग ना किया जाए क्योंकि उनकी फैमिली और वो बहुत ही इमोशनल ट्रामा से गुजर रहे हैं। ज़ोया नासिर ने पहली दफ़ा अपनी मंगनी के टूटने के बारे में ऐलान किया है और बहुत ही दुखी दिल के साथ उन्होंने ऐलान किया है और वो बताना चाह रही हैं कि उनको स्पेस दी जाए ताकि वो अपने आप को इस ट्रामा से निकाल सकें। ज़ोया नासिर की शादी से चंद रोज़ पहले ही उनकी मंगनी टूटने पर उनकी पूरी फैमिली और वो खुद बहुत अफसरदा हैं, इसीलिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि उनको थोड़ी सी स्पेस दी जाए ताकि वो खुद को इन हालात से निकाल सकें। आपको ज़ोया नासिर की क्रिश्चियन बैट्समैन के साथ मंगनी टूटने का सुनकर कैसा लगा और ये जानकर कैसा लगा कि ज़ोया नासिर ने अपने रिलीजन की खातिर क्रिश्चियन बैट्समैन को छोड़ दिया है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।